गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप खुद से ही उसको घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए गाइस आपने गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद गाइस आपने टाइप करना आधार कार्ड डाउनलोड। जैसे आप आधार कार्ड डाउनलोड करके टाइप करेंगे, यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको UIDAI की वेबसाइट हो जाएगी। गाइस आपने UIDAI की वेबसाइट पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। स्क्रोल डाउन करके आपको थोड़ा सा नीचे आना, और यहाँ पे गाइस आपको बटन दिखाई देगा डाउनलोड आधार। तो गाइस आपने डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब गाइस आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा, और नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन देखने के लिए मिलेगा डाउनलोड आधार। तो गाइस आपने डाउनलोड आधार पे क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इस प्रकार से तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास एनरोलमेंट आईडी है तो आपको एनरोलमेंट आईडी पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास वर्चुअल आईडी है तो आपने वर्चुअल आईडी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको अपने आधार नंबर से डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करूंगा। उसके बाद गाइस आपको स्क्रीन पे इस प्रकार से कैप्चा कोड दिखाई देगा। तो आपने कैप्चा कोड को यहाँ पे टाइप कर देना, जहाँ लिखा एंटर कैप्चा। उसके बाद आपने सेंड OTP वाले बटन पे क्लिक करना होगा। फिर आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा आधार की तरफ से। वो OTP इंटर करने के बाद आपके आधार की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं अभी अपना आधार नंबर इंटर करता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। OTP इंटर करने के बाद आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे एक आध मिनट का टाइम लग जाए या इंस्टेंटली डाउनलोड हो जाएगा। जैसी फाइल डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, तो इसमें आपको पासवर्ड इंटर करना होगा। अगर आपका पासवर्ड नहीं पता है आपको कि आपका पासवर्ड क्या है फाइल ओपन करने का, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा, एग्जांपल दिया गया होगा कि आपका पासवर्ड क्या है। फॉर एग्जांपल गाइस यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कि आपका अगर आशीष बाय कुमार नेम है और आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1989, तो आपका पासवर्ड होगा ANIS1989। आपका जो नेम है उसके फोर लेटर जो होंगे स्टार्टिंग के कैपिटल में आपको एंटर करने होंगे। उसके बाद आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करना होगा, और आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।